से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरत सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल्स। आज का जो सेशन है, बेसिकली हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट किया था। हमने पहला जो सेशन यूज़ किया उसमें तीन क्वेश्चंस कवरअप किए थे। आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, वो नॉलेज से रिगार्डिंग है कि व्हाट इज़ द नॉलेज, आप नॉलेज से क्या समझते हैं, नॉलेज से आपका क्या अभिप्राय है। तो आप सब जानते हैं नॉलेज का मतलब क्या होता है, कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना, किसी भी चीज़ के बारे में आपको पता लगना, समझ होना किसी भी चीज़ की, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति आदि किसी भी चीज़ को समझने की प्रक्रिया जो है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉलेज कहते हैं। तो नॉलेज हमें प्रैक्टिस और एजुकेशन की सहायता से प्राप्त होती है। मतलब नॉलेज जो है वो आप लगातार जैसे किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं या किसी भी चीज़ की एजुकेशन लेते हैं तो उससे हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। किसी चीज़ या किसी के बारे में जागरूकता के अक्सर नॉलेज के रूप में लेबल्ड किया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आपको लगातार प्रोत्साहन दिया जाता है कि जागरूकता फैलाई जाती है कि आप ये चीज़ें यूज़ करें। विषय की समझ के आधार पर नॉलेज व्यवहारिकल तथा सैद्धांतिक हो सकते हैं। मतलब जो नॉलेज होता है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल भी हो सकता है या थ्योरेटिकल भी हो सकता है। नॉलेज के धारणों में नेगेटिव नेविगेट करने के लिए लोकेशन की खोजने तथा एबिलिटी टू लर्न अल्फाबेट्स आदि शामिल हैं। मतलब नॉलेज में हम क्या क्या चीज़ उदाहरण शामिल कर सकते हैं, जैसे नेविगेट करना, नेविगेट का मतलब होता है कि चीज़ों को ढूंढना, या लोकेशन को खोजने में, या किसी एबिलिटी टू लर्न अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स को समझने में। नॉलेज हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नॉलेज के मुख्य चार प्रकार होते हैं, फैक्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, मेटा कॉन्सेप्ट नॉलेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज। मतलब अलग अलग तरह की आपके पास चार तरह की क्या होती है, नॉलेज होती हैं, ठीक है। मतलब इसको आप एज इट इज़ पढ़ लें एक बार। नेक्स्ट वन है स्किल। स्किल से आपका क्या अभिप्राय है। स्किल का मतलब होता है किसी भी काम में आप एक बेसिकली आपको एक ऐसी नॉलेज होना कि आप आँख बंद करके भी वो काम कर सकें। मतलब स्किल का मतलब होता है कि आपकी क्षमता, आपका मतलब कोई भी चीज़ें आप अंदर डेवलप करते हैं, एक मतलब कोई भी एक टेक्नोलॉजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसको आप एज ए स्किल के रूप में क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। एक स्किल वो एक क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे समय के साथ अभ्यास के माध्यम से हासिल किया जाता है। मतलब आप लगातार अगर किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो आप उस चीज़ में क्या हो जाती हैं, स्किल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति डांसिंग या सिंगिंग में अच्छा है तो उसका वह स्किल है। यदि वे अभ्यास के माध्यम से अपनी स्किल को बढ़ाते हैं तो वह अपने लिए एक प्रोफेशनल बन जाता है। स्किल्स नॉलेज में थोड़े अलग होते हैं। मतलब नॉलेज अलग चीज़ है और स्किल अलग है। नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना या किसी चीज़ के बारे में आपको पता लगना, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, नॉलेज कहलाती हैं। बट नॉलेज के अलावा जो स्किल है, बेसिकली स्किल का मतलब क्या है कि आप किसी भी काम में महारत हासिल करना, वो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग। जैसे ऊपर दो एग्जांपल दिए गए हैं, डांसिंग हो गया या सिंगिंग हो गया, तो उसमें हम अपने अंदर क्या कर सकते हैं, एक इम्प्रूव करते चले जाते हैं लगातार। अब ये देखिए, कई स्किल है जो व्यक्ति प्राप्त करता है, लेकिन प्रोफेशनल फील्ड में कुछ ऐसे स्किल हैं जो रिक्रूटमेंट करने वाले तलाशते हैं। जैसे ये आपके पास अलग अलग स्किल्स देखी जाती हैं जब कोई बंदा रिक्रूट होगा। तो फर्स्ट वन, लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है कि आप में लीडर बनने की क्षमता है या नहीं है। मतलब लीडरशिप का मतलब होता है कि आप कितने बंदों को एक बार में हैंडल कर सकते हैं, दैट ऑप्शन इज कॉल्ड लीडरशिप कहलाती है। सेकेंड वन इज़ द कम्युनिकेशंस। अब कम्युनिकेशंस होता है बात करने का तरीका, जो ओरल भी हो सकते हैं और रिटर्न में भी हो सकते हैं। थर्ड वन इज़ द टीम वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि आप अपनी टीम से कैसे काम करवा सकते हैं, ये भी एक अंदर एक स्किल है। हर बंदा अपनी टीम से काम नहीं करवा सकता, इंडिविजुअली आप अच्छे परफॉर्मर हैं, लेकिन एक टीम को चलाने का मतलब होता है कि टीम के हर बंदा आपके साथ जुड़ा रहे और आपके साथ एक प्रोफेशनली वर्किंग कर सकें। नेक्स्ट वन, प्रोफेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, कि प्रोफेशनली किसी काम को पूरा करना। नेक्स्ट वन, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल का मतलब अलग सोच रखना, मतलब किस तरीके से आप किसी भी चीज़ को अलग तरीके से सोच सकते हैं और किसी भी काम को अच्छे से पूरा कर सकते हैं, दैट ऑप्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th था जिसके अंदर हमने अलग अलग स्किल्स के बारे में जाना कि स्किल्स क्या होती हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, जीवन में महत्वपूर्ण स्किल्स के नाम बताइए।
तो आपका जो बेसिकली एक लाइफ है, लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्किल्स आप सीखते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे आज के दिन। जैसे फर्स्ट वन है कॉमर्शियल अवेयरनेस। कॉमर्शियल का मतलब किसी भी कंपनी से रिगार्डिंग कॉमर्शियली नॉलेज होना, फाइनेंस की नॉलेज होना, दैट ऑप्शन इज कॉल्ड कॉमर्शियल अवेयरनेस। जैसे किसी भी चीज़ के अंदर कितना पैसा लगेगा, कैसे काम करती है कंपनी, कहाँ से अर्निंग सोर्सेज आते हैं, कितना अर्निंग आ सकता है, मतलब फाइनेंस से रिगार्डिंग नॉलेज होना, वो क्या कहलाती है, कॉमर्शियल अवेयरनेस कहलाती है। दूसरा होता है कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस का मीनिंग होता है बात करने का तरीका, शेयर्स करने का तरीका, कैसे आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, कम्युनिकेशंस कहलाती हैं। कम्युनिकेशन हर क्षेत्र में आवश्यक स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल वह एबिलिटी है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी शेयर कर सकते हैं। एक व्यक्ति को कम्युनिकेशंस करते समय क्लियर, कंसाइनी एंड फोकस्ड होना चाहिए। क्लियर का मतलब स्पष्ट होना चाहिए, कंसाइनी का मतलब होता है उसको बेसिकली संक्षिप्त रूप में वो चीज़ें बतानी चाहिए, और फोकस्ड का मतलब होता है कि एक टॉपिक है उस टॉपिक पे ही फोकस करें। मतलब ऐसा है कि जैसे आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली आप उस टॉपिक को बार बार घुमाएं ना, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप फिक्स रहें, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड कम्युनिकेशंस। थर्ड वन है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब होता है कि जैसे आप अपनी टीम से किस तरीके से काम करवा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, टीम वर्क। एक पर्सन एक टीम के साथ मिलकर काम करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि वह सब मिलकर अपनी कंपनी को प्रॉफिट के बारे में सोच सकें। देखो, एक इंडिविजुअल बंदा पूरी कंपनी को हैंडल नहीं कर सकता, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट टीम आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक फिक्स एरिया से बाहर आना है, देन वी क्रिएट ए टीम। नेक्स्ट वन, नेगोशिएशंस एंड परस्यूशंस। इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी कहा जा सकता है, कि किस तरीके से आप अपनी एक प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, लीडरशिप। एक व्यक्ति के लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता होने के साथ साथ अपने सहयोगियों को भी दिए गए गोल या टास्क को शामिल करने के लिए मोटिवेट देने की एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब टीम वर्क का ही पार्ट है लीडरशिप, कि आपके साथ मान लो अगर 20 बंदे काम कर रहे हैं, तो 20 के 20 बंदों से आप सही तरीके से काम ले सकें, सही तरीके से उनको गाइड करना कि आपको ये काम कैसे करना है। अगर कोई बंदा काम नहीं भी कर रहा है, देन उसको मोटिवेट करना और उसकी एबिलिटी को पहचानने की, हर बंदे की एबिलिटी क्या है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, बेसिकली लीडरशिप कहलाता है। लीडरशिप एक क्वालिटी है जो हर बंदे में नहीं होती है, इसको मतलब बेसिकली जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट वन, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। कि आप अपनी मतलब एक हर बंदे में एक कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो मतलब प्रेशर के अंदर भी काम कर सकें, लेकिन आपको अपनी एक बेसिक क्वालिटी जनरेट करनी होगी जिसमें आप प्रेशर के अंदर भी काम रह सकें, मतलब शांत। मतलब अगर आप बेसिकली कोई भी प्रेशर आ गया, तो उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप गुस्सा कर रहे हैं किसी पे भी, शांत मन से आप बेसिकली चीज़ को क्या करें, पूरा करें। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड बेसिकली आपके पास पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे अंडर प्रेशर में काम करना। नेक्स्ट वन पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। कि आप में क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। कॉन्फिडेंस को पॉइंट होता है आत्मविश्वास। ये एक महत्वपूर्ण स्किल है। एक व्यक्ति में विश्वास का होना महत्वपूर्ण है। उसे विश्वास होना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए कार्य तथा निर्णय सही साबित हों। तो उसमें क्या होना चाहिए, बेसिकली कॉन्फिडेंट होना चाहिए बेसिकली बंदा, ताकि वो काम को अच्छे से पूरा कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हमने 3 क्वेश्चंस और यूज़ किए हैं, 4, 5 और 6 नंबर। तो इन क्वेश्चंस को प्लीज़ आप ध्यान से करें, और ये हमारा आज का जो पॉइंट हो गया कि एबिलिटी या कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें हमने आज के पॉइंट्स में यूज़ की हैं। तो स्टूडेंट, दैट इज़ अवर सेशन नंबर 2।